दिव्य प्राचीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड अर्चना। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके पास एक बेल आइकन है, उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरी जितने भी आने वाली वीडियोस है उससे नोटिफाइड रहे। आप मेरे इंस्टा और FB अकाउंट पे भी मुझे फॉलो करें। आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है, देन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये मेकअप लुक मैंने बेसिकली क्रिएट किया है बिगनर्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए और उन लोगों के लिए जिनको मेकअप अच्छा तो बहुत लगता है बट करना नहीं आता है। तो ये मेकअप लुक मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए क्रिएट किया है। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा मेकअप करना और इजी हो जाएगा एंड आप इजीली इस मेकअप को अचीव कर पाएंगे। जिस स्टेप से मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करके ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन केयर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे जो स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टोनिंग। तो टोनर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब्स का पोमीग्रेनेट ग्लो टोनर। ये टोनर बहुत अच्छा है गाइस, और इसे हम अच्छी तरह से शेक करेंगे। और ये जो टोनर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ purple.com में मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा। और इसे मैं पूरे फेस पे स्प्रे करके स्प्रेड कर लेती हूँ, और इसे टैप टैप करके हमें अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है और इसे पैड ड्राई करना है। बिल्कुल आराम से इसको आपको पैड ड्राई करना है। सो मैं नेक्स्ट यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल। ये बहुत ही अच्छा फेशियल ऑयल है गाइस, और इसे मैं ड्रॉप ड्रॉप करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। और धीरे धीरे करके इसको मसाज फेस में करना है हमने। और बेसिकली ये आपका प्राइमर का भी वर्क करेगा और एक अच्छा ग्लो देगा, आप देख सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट यहाँ पे ले रही हूँ बायोटिक की सैफ्रन क्रीम। ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो धीरे धीरे करके हमें फेस पे मसाज करना है अच्छी तरीके से। ये हमारे फेस को डूई लिप देगा और नेक एरिया को भी हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ लोटस प्रोफेशनल की सनब्लॉक मिस्ट। ये सनस्क्रीन है, फेस सनस्क्रीन मिस्ट है ये। इसे मैं हैंड्स में पोर कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही वाटरी है, आप देख सकते हैं। और इसे भी मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड नेक एरिया पे भी लगा लूँगी। और इसे अच्छी तरह से हमें अच्छी तरह से स्प्रेड करना है अपने फेस पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिमालय की लिप बाम इन द शेड स्ट्रॉबेरी। हमें अच्छी तरह से अपने फेस के साथ लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे की 925 CC क्रीम। इसे भी हमें टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करना है एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और इसे अच्छी तरह से हमें पानी में स्क्वीज कर लिया था भिगा के, अच्छी तरह से हमें इसे उसकी हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पूरे फेस पे हमें स्प्रेड करना है। अपने आईज़, अंडर आईज़ के नीचे, अपने माउथ एरिया, अपने नेक एरिया पे अच्छी तरह से हमें इसे डैप डैप करके अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं। और मैं अब ले रही हूँ मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट, और इसे भी मैं अपने फेस पे लगा लूँगी विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिस क्लेयर की वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल। तो मैं उसी ब्रश की हेल्प से दोनों आईज़ पे इसे कॉम कर लूँगी, आप देख सकते हैं। दोनों आईज़ पे हमें इसी ब्रश की हेल्प से कॉम करना है ताकि एक अच्छी शेप आ सके आईब्रोज़ की। और फिर मैं उसे आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ पेंसिल की हेल्प से एक अच्छा सा अर्क बना के। आप देख सकते हैं डिफरेंस आईब्रोज़ बनाने से कितना फ़र्क पड़ता है, आप देखिए। आईब्रोज़ फिल करने से बहुत डिफरेंस लगता है गाइस। तो सेकेंड आईज़ पे भी मैं अपने आईब्रोज़ पे फिल कर लूँगी इसको इस तरीके से, आप देख सकते हैं। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टे क्वर्की का आईलाइनर इन द शेड ब्लैक। और इससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं इसे सेकेंड आईज़ में भी अप्लाई करूँगी और बाहर की तरफ से एक विंग बनाऊँगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं। आप डिफरेंस कुछ देख सकते हैं गाइस, आईलाइनर से भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है। काजल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेला वॉस्टे का काजल इन द शेड ब्लैक। और इसे मैं अपने वाटर लाइन एरिया पे अप्लाई कर लूँगी, आप डिफरेंस देख सकते हैं। काजल अप्लाई करने से भी बहुत डिफरेंस आता है गाइस। और इसे मैं अपने सेकंड
आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी इसी तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ लॉरेल पेरिस का लैश पैराडाइज मस्कारा। ये वाटर प्रूफ मस्कारा है एंड इसे मैं अपने अपर लैशेस पे अप्लाई करूंगी एंड लोअर लैशेस पे भी। इस तरीके से हमें अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई करना है जनरस अमाउंट में एंड सेकेंड लैशेस पे भी हमें आइस के लैशेस में हमें इसी तरह से अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लशर और इसे मैं एक कबूकी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपने चिक एरिया पे। हमें अप्लाई करना है अपने चिक एरिया पे इजीली और स्माइल करते हुए अप्लाई करना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं लाइट हैंडेड बिल्कुल। नेक्स्ट मैं दो लिप शेड्स के बीच में कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि कौन सा शेड मुझे अप्लाई करना चाहिए। ये दोनों ही स्टेज क्वालिटी के लिप शेड्स हैं। एक पिंक नियॉन कलर है, एक न्यूड शेड है ब्राउन न्यूड कलर। आई थिंक आई विल गो विद पिंक। यस दिस इज़ द स्टेज क्वालिटी पिंक नियॉन कलर। इसे मैं पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ बाय।